नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 2 जून को UPSC IAS प्री का एग्ज़ाम हो चुका है। ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट के लिए है दोस्तों जिनका पेपर ख़राब गया है। मैं आपको इसमें दोस्तों ऐसी कमियां बताऊंगा जो आपने इन कमियों को पूरा नहीं किया या ये कमी आपने दोहराई हैं। यदि आप जो मैं टिप्स देने वाला हूं इनका दोस्तों यदि आप यूज करेंगे तो आप यकीन मानिए 2020 का जो प्री होने वाला है जो कि जून के आसपास जब भी मानिए तो उसको आप ज़रूर क्रैक करेंगे यदि आप इन सिंपल सी जो छोटी छोटी टिप्स हैं उनका यूज करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं समय ना गंवाते हुए। दोस्तों सबसे बड़ा जो बात है, सबसे बड़ी दोस्तों समझ के पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, एक तो हमारे देश में UPSC को इतना हुआ बना लिया है कि लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं उसमें, तो ये आता है वो आता है, सोशल मीडिया पे अनाप शनाप क्वेश्चन आते रहते हैं, IAS की कलेक्टर की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन, ये वो ढीका फलाना। तो इन फालतू की बातों में ना पढ़ें, आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप समझ के पढ़ें। ठीक है, समझ के पढ़ेंगे तो ही चीज़ आपको समझ में आएंगी और उनको रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहली बात समझ के पढ़ें, रटें नहीं। ठीक है, और हो सके तो दोस्तों मेरे आपसे गुजारिश है कि आप कोई भी, मैं तो ये कहता हूँ यदि आपका IAS सपना है तो आप कोई भी PCS भी एग्ज़ाम ना दें दोस्तों। IAS PCS में बहुत ज़्यादा अंतर है, प्री में अंतर है, मेंस में अंतर है। अब आपको देखने में लगता है लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आप ये मानिए, माना आपने साल में 4 एग्ज़ाम भी दिए, ठीक है, ये 2 PCS दिए, 2 अलग एग्ज़ाम दिए, आप उनके लिए एडमिट कार्ड निकालोगे, उनके लिए एग्ज़ाम देने जाओगे, 4 दिन पहले पढ़ोगे, ऐसे आपके 2-3 महीने दोस्तों ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। अब फिर आप उनके रिजल्ट का इंतज़ार करोगे, आंसर की का इंतज़ार करोगे, 100 चीज़ के चक्कर में पढ़ोगे तो इससे टाइम आपका ख़राब ही होता है। तो आप यदि आपका सपना UPSC IAS करने का तो आप उसी को टारगेट करें और ज़्यादा एग्ज़ाम ना दें। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि ये बड़ा एग्ज़ाम है तो इसमें थोड़ा निरंतरता बनाए रखें। हो सकता है आपको पहली बार में सफलता ना मिले तो ठीक है, निरंतरता बनाए रखें क्योंकि बड़ा सिलेबस है वो तभी कवर होगा। ठीक है, और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट और करूँगा कि हमारे मार्केट में खास करके जो नए स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है कौन सी मैगजीन पढ़ें करेंट अफेयर के लिए। तो करेंट अफेयर के लिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, अनाप शनाप कुछ भी मैगजीन ना पढ़ें, वही मैगजीन पढ़ें जो केवल केवल और केवल किसके लिए हैं, IAS के लिए आ रही हैं मार्केट में, वो आपको मिल जाएंगी। प्रॉपर IAS के नाम से बहुत सारी मैगजीन आती हैं, बहुत सारी तो नहीं, कुछ गिनी चुनी मैगजीन आती हैं तो उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अनाप शनाप बंदर छाप मैगजीन ना उठा के लाएँ तो अच्छी मैगजीन पढ़ें। ठीक है, स्टैंडर्ड। और दोस्तों एक और चीज़, एक हमारे देश में हुआ चलता है कि IAS के लिए तो 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, बहुत गलत बात है दोस्तों। मेन बात है समझ के पढ़ना और आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 18 घंटा पढ़ेगा बंदा दोस्तों, सोएगा क्या, खाएगा क्या, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या करेगा। तो ये बात मन से निकाल दें आपको, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूँगा 6-8 घंटा डेली पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, और एक बात दोस्तों, रटना नहीं है, मैंने आपसे ये कहा है। आप IAS के क्वेश्चन पेपर में देख लो, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको यहाँ रटने की ज़रूरत थी। थोड़ा हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जरूर रहते हैं लेकिन आपको रटने वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, आपकी बेसिक समझ पूछी जाती है। यदि आपकी समझ विकसित नहीं हुई है सब्जेक्ट की तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो रटने वाली बात आप छोड़ दो। ठीक है, ये एग्ज़ाम रटने वालों के लिए नहीं है, उनके लिए PCS SSC बहुत सारे एग्ज़ाम पड़े हैं लेकिन ये एग्ज़ाम तो नहीं है। और दोस्तों यदि आप IAS बनना चाहते हैं, UPSC करना चाहते हैं तो प्लीज़ जागरूक रहें, अपने आँख कान सब खुले रखें। ठीक है, क्या हो रहा है दुनिया में, सरकार की क्या योजना चल रही है, तो इन सब पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। और टॉपिक की वही मैंने आपको बताया समझ के, टॉपिक की बेसिक समझ हो आपकी, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए कि भाई जैसे जो GDP है, GDP एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, अभी जो GSP का जो दर्जा है भारत से चीना अमेरिका ने, तो वो GSP एक्चुअल में है क्या, उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो ये सिंपल सी जो समझ है, बजाय इसके कि ये कब दिया गया, तो 1975 में दिया गया, उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन से, ये सब फालतू की बातें हैं। मेनली है आपको जो GSP होता क्या है, जो GDP होती क्या है, GDP भारत की GDP दोस्तों पिछले 5 साल में सबसे कम आ गई है, जो तिमाही में मार्च जनवरी से मार्च तिमाही में, तो आपकी समझ विकसित समझ होनी चाहिए। जब तक आपको बजाय कि इसके 5.8 आई है, ये ज़रूरी नहीं है, ये एक आई क्यों है और ये इसमें GDP मैनेजमेंट डिपेंड किस पे करती है, क्या रीज़न थे, GDP होती क्या, ये आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों जो चर्चित मुद्दे रहते हैं पूरे देश में, चाहे वो कुछ ऑर्डर हो सुप्रीम कोर्ट के या सरकार की कोई योजना हो या कोई जितने भी मुद्दे रहते हैं उन पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, उनके बारे में आपकी समझ होनी चाहिए कि एक्चुअल में मुद्दा है क्या। ठीक है,
और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि खास करके जो हिंदी मीडियम वाले टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, पुराने पेपर लगाएं और उसमें देखें कि आपकी कितने क्या क्या आप 50, देखिए जनरल कैटेगरी के लिए मैं 50 से 55% कट ऑफ मान रहा हूँ। देखिए इस बार तो कट ऑफ कम जाएगा खैर, लेकिन जो ज़्यादा अपना हाइएस्ट कट ऑफ मान सकते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, आपने टेस्ट सीरीज देखी, आपने लगाया, आपने देखा कि आपके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जितने मार्क्स का डिफरेंस है उसको दोस्तों ख़त्म करने की कोशिश करें और टेस्ट सीरीज को टेस्ट सीरीज नहीं, उसको एक नॉलेज की तरह भी यूज करें, ठीक है। और दोस्तों धैर्य बनाए रखें, यदि आपको असफलता मिलती है तो प्लीज़ धैर्य बनाए रखें और रिजल्ट एक दिन जरूर आएगा। आप तैयारी करते समय उस दिन को याद कीजिए जब आप ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है, धैर्य बनाए रखें। और लास्ट बात, ये लास्ट कहे तो पहली बात होनी चाहिए दोस्तों, स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि पता चला आप महीने में एक बार बीमार पड़ रहे हैं, साल में 10-12 बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, सब कुछ टाइम से करें और ज़्यादा मतलब ठीक ठाक ही चीज़ खाएं और ज़्यादातर घर का खाना खाएं। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं, यदि आप इनका यूज करेंगे तो आप यकीन मानिए आप 2019 का जो प्री है यूपीएससी का वो क्रैक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।